अभी जहाँ हम मौजूद हैं ये भूख मिटाओ मुहिम है, ठीक है, और मुस्तफ़ा कॉलोनी न्यू कराची 5J में मौजूद है। यहाँ के जो वर्कर हैं जो पहले दिन लॉकडाउन से काम शुरू करे हुए हैं और अपनी मदद आप जो काम कर रहे हैं उनसे हम थोड़ा राय लेते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रेहान भाई, तो रेहान भाई से पूछते हैं कि रेहान भाई आपका इसमें क्या ख्याल है कि आप किस तरह कर रहे हैं और इस काम को आप किस तरह चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, चला तो हम अपनी मदद आपके तहत ही रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को एक दो मुखय्यर हज़रात मिल गए, उन्होंने फिर हमारी मदद करना शुरू करी। लेकिन वो भी जो है ना कुछ खातिर खा ऐसे लोग नहीं हैं कि बस कुएँ लगे हुए उनके पास के खाली नहीं होंगे। अब वो बेचारे एक महीना हमारे साथ चलकर थक गए, उन्होंने कहा यार अब आप कुछ और लोग देखें, हम नहीं कर पाएंगे, अब आपके साथ नहीं चल सकते बिल्कुल भी। तो अब हम गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि मतलब कुछ और लोग आएँ, वो आकर हमारी मदद करें। अब हमारे पास आटा दालें चीनी कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट से तो हमारे कोई तवक्को है नहीं, ठीक है, वो लॉकडाउन में लगी हुई है, कोई मसला नहीं है। यहाँ के MNA MPA मतलब वो भी मतलब इधर झाँकने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे MNA कौन है, MPA कौन है? अब्दुल उसामा कादरी साहब MNA और ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब MPA हैं। अभी तक यहाँ पर अभी तक आए नहीं है ना, फ़ोन उठाने के लिए तैयार हैं। उनसे तो सिर्फ यही गुजारिश है, ये 600-700 ख़ानदान जो यहाँ से हमसे खाना ले रहे हैं पका पकाया, ये अल्लाह ना करे भिखारी नहीं है भाई, ये परेशान हैं, ये बेरोज़गार हैं कोरोना वायरस की वजह से। आप इनका रोज़गार खोल दें, इनको आपसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये आपके वोटर सपोर्टर हैं, इन्होंने आपको वोट दिए हैं, आप आकर देखें इनकी परेशानी में इनके साथ। बल्दियाती इदारों में से कोई आपके पास आया? जनाब बल्दियाती इदारों में से तो ये मसला है कि चेयरमैन साहब को हम फ़ोन कर रहे हैं तो वो हमारा फ़ोन उठा लेंगे। MKM से ताल्लुक है? जी ताल्लुक तो उनका वो है, लेकिन हम कोई उनके MKM के मुखालिफ बात नहीं कर रहे। हम यही इधर बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा गुलदस्ता यहाँ पर ये है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के वर्कर हों या PSP के वर्कर हों, वो सब मिलके काम कर रहे हैं। और जो PTI के वर्कर जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो ऐलान का वक्त ना सुने कि वो इस चक्कर में लगे हुए कि कब जो है टाइगर फोर्स का ऐलान होगा फिर वो काम करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर एक गुलदस्ता लगा हुआ है, पीपल्स पार्टी के वर्कर PSP के वर्कर सब मिलके काम कर रहे हैं। तो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हर पार्टी का वर्कर है हमारे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर सिर्फ झंडा इंसानियत का है, मतलब हमारे पास किसी पार्टी का झंडा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत के झंडे पे काम कर रहे हैं। बस हमारी कोशिश ये है, ये 600-700 घर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ आस लगाए ना हमसे तो ये ना रुके। बस अगर कोई आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मर जाए तो फिर मतलब हम आएँ अपनी नमाज जनाजे में लाइन लगा के खड़े हुए होंगे, तो भाई उससे पहले आ जाएँ, मरने पर क्या सियासत करनी यार। अभी यहाँ आकर देखें, इनकी दादरसी करें, ये आप लोगों के वोटर हैं सपोर्टर हैं, कल फिर आप लोगों ने इनसे वोट मांगना है, तो लिहाजा मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। तो ये थे रेहान भाई जो अपना इजहार ख्याल कर रहे थे कि जो इंतज़ामी में मौजूद हैं और दिन रात ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, चाहे सब्ज़ी के मामला हों या चाहे फ्रूट के मामला हों या चाहे चावल के या आटे के मामला हों, ये खुद अपने घर बार छोड़ के यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो इंतज़ामिया के लोग हैं MNA MPA हैं बल्दियात के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस मामले में क्या कर रहे हैं, तो गुजारिश है कि उनकी भी तवज्जा की बहुत ज़रूरत है कि वो भी यहाँ तवज्जा दें और यहाँ काम करें। और ये रेहान भाई कुछ और कहना, सरकार 16-16 घंटे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फ्री ऑफ फोर्स काम कर रहे हैं, कोई पैसा पाई नहीं ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मतलब कहने का ये है अब जो है हम बिल्कुल जाम हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब ना आटा है ना दालें हैं ना तेल है, कुछ भी नहीं रखा हुआ हमारे पास। अब भाई अगर आपके पास कोई खराज ज़कात कुछ भी हो मामला यार, इन लोगों को हम चला सकें मेहरबानी करें, खुदा के लिए हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते आप। ये जो 600-700 ख़ानदान हैं फैमिलियाँ हैं ये हमसे कुछ उम्मीदें रखते हैं, कुछ इनके मामलात ख़राब हैं, नहीं रोज़ा खोल सकते, नहीं अफ्तारी कर सकते, नहीं सहरी कर सकते, इनके लिए मेहरबानी करें, कुछ लोग आगे आएँ अपनी ज़कात फितरा जो कर सकते हैं कर दें, मेहरबानी करें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तेरे साथ हैं, अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक आए, हमें हमारे सारे काम को अप्रिशिएट किया। और हम बताएं कि इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस की वजह से हम इस ये कच्ची आबादी है क्योंकि मज़दूर पेशा लोग यहाँ रहते हैं, हम खुद भी दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, लेकिन वक्त को समझते हुए हमने अपनी माशाल्लाह आप तो पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं, हम
वार्ड में। खूबसूरती की बात ये है कि ये कोई करोड़पति के लड़के नहीं है, ये खुद एक मजदूर और रोजदार पे काम करने वाले हैं, रोजमर्रा के ऊपर काम करने वाले दिहाड़ीदार तबका है और ये लोग ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और अल्लाह पाक मेरी यही गुजारिश है कि जो जो लोग ये देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और हमारा साथ दें। शुक्रिया। कोई आपसे रबता करना चाहे कुछ ताउन के हवाले से या किसी भी हवाले से, जाहिर सी बात है जिस तरह आपने बताया कि जितना हम कर सकते थे हमने कर लिया और अभी भी आगे अल्लाह ही चला रहा है, तो जाहिर सी बात है जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है? तो आप मुझे बताएं कि किस तरह लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका फ़ोन नंबर वगैरह आप बता दें ताकि जो आपकी बात आगे तक जा सके। अच्छा, हमारा कोई ये प्रोफेशनल इदारा नहीं है, ठीक है ना। हम सिर्फ एज ए हमदर्दी के तहत, हम खुद बहुत भूख को समझते हैं तो हमें अंदाज़ा था कि मतलब भूख क्या होती है, तो इसलिए हमने ये शुरू किया था भाई। और सिर्फ हमारा एक सेल नंबर है जो कि मतलब जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप इससे मिले बच्ची से, ये हमारी नन्ही रजाकार है, ठीक है ना। इनके वालदेन मना करते हैं इनको कि मतलब आप नहीं जाओ, इस रश में क्यों जा रही हो, लेकिन इस बच्ची को पता है कि किसी भूखे को रोटी देने के बाद कितना सुकून मिलता है, ये बच्ची जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, लोग हमारी मदद करें। कॉन्टेक्ट नंबर देंगे रेहान भाई, उनसे रब्ता करके मदद। जी, नंबर 0300-2641-284, 0300-2641-284 भाई। और जितना हो सके आप इससे ताउन करें ताकि जो सफ़ेदपोश लोग हैं और जिनको ज़रूरत है, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से उनके घर तक ये खाना पहुँचा दे। शुक्रिया बहुत बहुत। अब जो है कि वसाइल ज़्यादा, मसाइल ज़्यादा और वसाइल कम है, तो हमारी मुखिया रज़ा से ये अपील है, ये गुजारिश है कि वो यहाँ आएँ और हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि दिन पे दिन मज़ीद इजाफा होता जा रहा है अफराद में, लेडीज़ में भी जेंट्स में भी मज़ीद मसाइल जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और वसाइल कम है हमारे पास। तो हमारी यही है मुखिया हजरात से अपील कि वो यहाँ आएँ, देखें न्यू कराची सेक्टर 5J में किचन के हालात देखें और आएँ हमारी मदद करें। बिल्कुल आप ठीक करिए, हमारे साथ कवल मौजूद थी और उन्होंने अपना इजहार ख्याल जो है आप सबके सामने रखा है और ये हमारे साथ जो लेडीज मौजूद हैं हम इनसे पूछते हैं कि आप किस तरह मतलब ये डोर टू डोर आप कर रही हैं या एक लाइन की कतार में, तो ये आपका क्या मतलब मिशन है, किस तरीके से आप कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम लोग जो है लाइन बनवा के खाना दे जाते हैं और लाइन बना के खाना दिया जाता है यहाँ पर, क्या नाम है, डबल डबल, या किसी को बार बार नहीं दिया जाता और हमारा बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम चल रहा है, लेकिन बस यहाँ पर खाने की तंगी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं। हमारी यही गुजारिश है वज़ीर आला से और वज़ीर आलम से, सबसे यही गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी किचन में राशन डलवाएं और हमारी मदद करें ताकि हम लोगों को जिस तरीके से बांट रहे हैं वज़ीर आला ने, इमरान खान ने, कोई गरीबों की मदद नहीं। डोर टू डोर भी आप दे रही हैं? जी हाँ, और वज़ीर आला से तो हमारी यही गुजारिश है कि वो हमारी तरफ राशन डलवाएं क्योंकि उन्होंने गरीबों में कोई राशन या कोई पैसा तकसीम नहीं करा। टाइगर फोर्स के इंतज़ार में आप उसके बारे में? उन्होंने तो बस ये बस कहा था कि हम देंगे और हम ये करेंगे, नाम के डायलॉग थे उनके कि हम वो करेंगे, हम अपनी फौज भेजेंगे और गरीबों में आए या ना आए, वैसे तो हमारे राशन यहाँ भी नहीं आया, क्यों हम लोगों को गरीबों में तकसीम कर रहे हैं, हमारी तरफ कुछ भी नहीं आया। हमारे यहाँ से तो अगर देखा जाए तो MKM का ताल्लुक है, मैंने वहाँ के MKM का ताल्लुक है, हमें कुछ पार्टियाँ दे रही हैं जो कि हमारा सपोर्ट कर रही हैं, बाकी वज़ीर आला से या किसी यूथी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी यही गुजारिश है कि आगे हमारी मदद करें और हमारी तरफ राशन डालें और जो है लोगों की मदद कर रहे हैं हम, तो हमारी भी मदद की जाए क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे भी मुस्तफ़ा गरानी बहुत गरीब हैं, हमारे भी भाई जो हैं जिन्होंने अपने पास से किया वो भी बहुत गरीब हैं, उनकी तरफ भी थोड़ी नज़र करम फरमाई जाए, बस मेरी यही गुजारिश है। शुक्रिया। जिस तरह के यही बात चल रही है कि ये अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं, ये कोई करोड़पति यहाँ पर नहीं रहते, ये खुद एक कच्ची आबादी है जो मुस्तफ़ा कॉलोनी के नाम से मशहूर है, ये 5J की एक छोटा सा टुकड़ा है जो पूरे न्यू कराची और न्यू कराची से बाहर जहाँ जहाँ सफ़ेदपोश और मुस्तक लोग हैं वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी शुक्रिया। ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप किस तरह मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस तरह लोगों तक पहुँच रहा है, इसमें आसानी है आपको, आपने इसके लिए क्या प्लानिंग करी है? ये तो हमारी कॉलोनी है, यहाँ हमारे कोई तकरीबन 50 रफ्तार हैं जो इस काम को कर रहे हैं और डोर टू डोर खाना उनके घरों तक पहुँचाया जाता है ताकि कोरोना वायरस से कोई अफेक्टेड ना हो। और जो मजबूर हैं, जाहिर है जो दूसरे सेक्टरों से लोग आते हैं तो वहाँ हमारी कैपेसिटी भी नहीं है जाने की, ना हम जा सकते हैं, तो वो लोग खुद आते हैं। और जितना हम तकरीबन ये कोई 800 घरों की कॉलोनी है जहाँ डोर टू डोर रोज़ाना इसी तरह खाना एक वक्त का दिया जाता है डेली, और इसी इतनी ही तादाद में लोग बाहर दूसरे सेक्टर से आते हैं अल्लाह वाली से, जो यहाँ से
काफ़ी दूर सेक्टर से वहाँ से लोग आते हैं, तो मैं तो कहूँगा ये शायद हम लोग ना कर पाते अगर ये सब जवान हमारी कॉलोनी के जो लोग हैं रिहायशी हैं वो अगर सब ना आते ना तो शायद ये काम ना हो पाता। अब वो हमारे बाजू बने हुए हैं, हम एक गली गली में हर गली से तकरीबन एक यहाँ हमारा रज़ाकार मौजूद है जो अपनी गली में